दोस्तों नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आज क्या है, तो आज है बसंत पंचमी। तो सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी के दिन से ही, मतलब शुरुआत से ही, आज देखो कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। नहीं तो कल परसों से तो बारिश ही हो रही थी और आज बहुत अच्छी धूप आ रखी है। और देखो उधर सारे पहाड़ों में बर्फबारी भी हो रखी है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि बसंत पंचमी किसे कहते हैं, क्या होता है, मतलब तो बसंत पंचमी से ही, उस दिन से ही, मतलब हमारे बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है और उसी को बसंत पंचमी कहते हैं। और देखो बसंत पंचमी के दिन से कितनी अच्छी धूप खिल रखी है पहाड़ों में, बार आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, 2-3 दिन से तो बर्फबारी बारिश ही हो रही थी और आज के दिन से बहुत अच्छी धूप भी आ गई आज। और मतलब सुबह की शुरुआत एक बहुत अच्छी धूप से हो रही थी, नहीं तो बारिश से ही हो रही थी। इधर देखिए पहाड़ों में सारी बर्फबारी हो रखी है। देखिए उधर सारी तो दीवा मंदिर है उधर। गाइज़ आज बसंत पंचमी के उपलक्ष में मम्मी जी लोग तो मतलब साफ़ सफाई वगैरह, लीपना वगैरह कर रहे हैं। और बाकी आज के दिन मतलब पकौड़ियाँ, खीर वगैरह सारी चीज़ें बनती है। आपके इधर भी बन रही होगी और हमारे घर में भी बन रही है। और योगेश भाई का दोस्त भी आ रखा है हमारे घर में, तो भाई और उनके दोस्त जा रहे हैं बीरू खाल, मतलब वहाँ उनके घर में कुछ फंक्शन है, तो भैया के घर जा रहे हैं मेरे भाई लोग भी, तो आ रखे हैं हमारे घर में। तो मैं आपको दिखाती हूँ उधर है योगेश भाई लोग। फिर आगे का ब्लॉग तो योगेश भाई बनाएंगे क्योंकि वो जा रहे हैं आज घूमने के लिए बेरुखाल। गाइस वो देखिए पहाड़ों की हसीन वादियाँ, ये मेरी दादी जी और इधर हैं भाई लोग। हेलो हेलो, नमस्कार सभी को। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सब आप सभी लोगों को। तो ये हो चुके हैं रेडी घूमने के लिए, जा रहे भैया के घर जा रहे दोनों भाई लोग। और आज बसंत पंचमी के दिन घर की सफाई वगैरह करते हैं और मेरी मम्मी आज अंदर गढ़वाली में बोलते हैं लीपना, इसे मिट्टी और गाय के गोबर से इधर लिपा जाता है। और आज हमने बसंत पंचमी एक त्यौहार होता है, तो उसमें आज हमने खीर और अभी पकोड़े भी बनाएंगे हम अभी। और आप सभी को मैंने आपको दिखाया, भाई लोग हो चुके रेडी वहाँ जाने के लिए बीरू खाल। तो अब दिखाती हूँ मैं पापा जी और मम्मी जी ने क्या क्या बनाया हुआ है बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में, दिखाती हूँ आप लोगों को। चलो फिर चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या क्या बनाया हुआ है। दादाजी लोग बिल्ली बैठी है इधर। तो ये है, ये बन चुकी है खीर और ये मम्मी बना रही है पकौड़ियों के लिए मसाला वगैरह। हाँ तो और आपने आज भी देखा होगा कि मेरी ब्लॉग की शुरुआत मेरी बहन योगिता ने की। और सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज देखो अच्छी खासी धूप खिलती हुई पीछे देखो। और दोस्तों मैं आज जा रहा हूँ थोड़ा बीरू खाल साइड, तो आज तो दीवा साइड से तो रास्ता बंद हो रखा है, पर देखते हैं फिर अब हम रिखनी खाल के रास्ते जाएंगे। चलो दोस्तों थोड़ा नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। देखियो आज हमारे लिए बनाए खीर, आज बसंत पंचमी है, पंचमी का पकवान, अभी पकौड़े बन रहे हैं स्वादिष्ट, खीर और आलू की सब्जी। ये मेरा दोस्त आ रखा आज। So guys, यहाँ पे मेरी माँ जी पकौड़ी बना रही है, ये देख सकते हैं आप, अभी और बना रहे हैं। और भाई लोगों के दे के आती हूँ मैं, वो लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं इधर। ये देखिए क्या ही खीर बना, बड़े माने तो मैंने बनाया है और ये पकौड़ी मेरी माँ ने बनाई है। देखिए ये कुछ बोलना चाहते हो आप लोग? और दोस्तों हमने भी अब नाश्ता वगैरह कर लिया। अब पहले तो मेरी मम्मी बना रही थी पकौड़ी, पर अब योगिता बना रही है। देखिए ये है आलू, प्याज और गोभी। तो ये है आलू, राई, गोभी, प्याज की पकौड़ियाँ हैं। ये देखते हो गरम गरम पकौड़ी, मैं आज उसे पहली बार पकौड़ियाँ बना रही हूँ, मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाए।
पास्ता मैं आज पहली बार बना रही हूँ, अभी मम्मी बना रही थी, अब उनको कहीं जाना है इसलिए मैं बना रही हूँ। ये देखो गरम गरम पकौड़ियाँ, रास्ता, ये देखो हमारे गांव का मंदिर, और देखिए हमारा प्यारा सा गांव, आज सुबह सुबह अच्छी खासी धूप खिलती हुई, ये देखो सुंदर हिमालय, और कल बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने बस स्टॉप पर, और यहाँ से हम जाएंगे अब बीरोखाल। मैं इसका इंट्रो तो कराया नहीं, मेरा दोस्त नीरज कल दिल्ली से अपने घर जा रहा था बीरोखाल, और कल धुमाकोट में इतनी बर्फबारी थी कि इनकी बस फंस गई थी, तो इसको जैसे कल मेरे घर पे ही आ गया था। तो अब मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ बीरोखाल बाइक से, कल मतलब धुमाकोट जो दीवा साइड तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी, तो वहाँ तो बस का जाना मुश्किल है, तो हम रिकणीखाल के रास्ते आज बीरोखाल जा रहे हैं। और दोस्तों बस तो आई नहीं क्योंकि हमें नैनाण तक जाना था बस में, वहाँ से हमारी बाइक खड़ी थी उधर ही, कल परसों बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो गई थी नैनाण में, इस कारण हमारी बाइक वहीं फंस रखी थी, तब नैनाण तक जा रहे हैं पैदल पैदल, वहाँ से हमारी बाइक है। अच्छा मौसम और का आज धूप खिलती हुई, कल रात तो बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी, पर ऐसा लग नहीं रहा कि सुबह इतनी अच्छी धूप आ जाएगी, पर अच्छी खासी धूप। दोस्तों ऐसे हल्की बर्फबारी दिखती हुई, नैनाण में बहुत बर्फ गिरी थी, और देखिए वो जम रहा है भाई, कुछ जम रहा है, प्रकृति की गोद उधर शानदार नज़ारा देखिए, यहाँ थोड़ा हल्का बहुत तो गल गया, इधर कल बहुत ज़्यादा गिरी थी। और पहाड़ सफेद चादरों से ढकती हुई, यहाँ तो हल्की फुल्की गल गई बर्फ, पर दीवा साइड तो बहुत ज़्यादा ही बर्फबारी हुई थी क्योंकि वहाँ रोड बंद हो चुका है। भाई साहब बहुत खतरनाक जम रखा है, तो देखो देख सकते हैं दोस्तों आगे दीवा मंदिर साइड, वहाँ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ गिर रखी है, शानदार नज़ारा। ये भी नीरज भी कई सालों बाद बर्फ़ देख रहा है इधर दिल्ली में, दिल्ली में तो पहले गिरी थी कुछ साल पहले, कब गिरी दिल्ली में बर्फ़ दिल्ली के बाद अभी दिल्ली में उसने देखा था फ्रिज के अंदर उसके बाद अभी देख रहा है यहाँ। और बर्फबारी की वजह से परिवहन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये देखो हमारे बॉडी जी वो छत से बर्फ निकाल रही है, बोलो नमस्ते। नैनाण में लोग अपने छतों से बर्फ निकाल रहे हैं, देखो नैनाण में इतनी बर्फ़ गिरी कि ये हमारे ताऊ जी अशोक के पापा फावड़े से बर्फ़ निकाल रहे हैं। देखो हमारे ताऊ जी फावड़े से निकाल रहे हैं बर्फ़, इतनी जम गई अशोक से। नैनाण में अच्छी खासी बर्फबारी हुई थी, तो आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रखी है, पूरा ज़्यादा ये जम गया बहुत, उसमें फिसलन हो रखी है। देखो दोस्तों बहुत संभल के आना पड़ेगा, उसके जूते बहुत ज़्यादा फिसलन वाले हैं, देखो कैसा आ रहा है एक पाउंड नाली में, इससे आया नहीं जा रहा, देखिए कैसे लचक लचक के आ रहा है। चल हम पहुंच गए हैं नैनी डांडा,
इधर छोटी मार्केट है, जो बड़ी मार्केट है उधर आगे है। और पहुंच गए हैं अपने रूम में। नैन डंडा हमारा घर है, या तो हो रखा अंधेरा। और नैन डंडा का शानदार नज़ारा देखिए, हमारा स्कूल, मैंने पहले ब्लॉग में भी दिखाया था। देखो यहाँ शानदार बर्फबारी। और ये हम पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास, ये 3 दिन से यहीं पे खड़ी है बर्फबारी के कारण घर में ही। देखो हमारा स्कूल, हम पहुंच गए नैनडंडा मार्केट। यहाँ भी बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी, देख रहे होंगे आप। पंचर और हम नैनडंडा से चल रहे हैं अब। बीरोखाल की राइड शुरू हो गई हमारी। गरीब लोग है भाई, हमारे पास तो यही गाड़ी है, इसी में जाते हैं हम। चलो फिर चलते हैं फिर, अब पहले दिखनी खाल, पहले वहाँ से फिर जाएंगे बीरोखाल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर रास्ते में। ओके, दोस्तों आगे यहाँ से नैनडंडा से आगे बहुत ज़्यादा ठंडा है, नीचे को बर्फ़ तो नहीं गिरी पर बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए अब हम मफलर वगैरह टोपी पे पहन रहे हैं और बर्फ़ यहीं तक है बस लास्ट। चलो मिलते हैं फिर आपको सीधे भी रास्ते में, देखते हैं कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। और दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मैदावन के पुल में। अभी मैदावन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पर थोड़ा लंच करते हैं, उसके बाद आगे बीरोखाल यहाँ से भी 47 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ी देर में चलते हैं। आपको यहाँ भी थोड़ा लंच करते हैं। उत्तराखंड भोजनालय लंच करते हैं। और दोस्तों हमने लंच कर लिया है, अब चलते हैं बीरोखाल की तरफ। यहाँ से बीरोखाल अभी 47 किलोमीटर दूर है और हम आगे, मतलब 50 किलोमीटर का ट्रेवल तो हमने कर लिया है और 50 किलोमीटर भी लगभग। ये रिखणीखाल का मार्केट, अच्छी खासी धूप आ रही है। थोड़ा मैं जा रहा हूँ सेव करने, जरा मैं कटवाता हूँ अभी, जरा दाढ़ी मुझे जरा सेट करवाता हूँ जरा। और मैंने दाढ़ी कटाई नहीं, थोड़ा सेट करे सही होगा ना। रिखणीखाल का मार्केट, और अभी हमने रिखणीखाल में लंच वगैरह किया था, दाढ़ी भी सेट कराई, थोड़ी सी कराई, फिर जाएंगे भी। बहुत महंगा है यार, 50 रुपये भाई, लग भी नहीं रहा आपको कुछ है। चलो फिर चलते हैं हम, अब बीरोखाल की साइड चलते हैं। और दोस्तों अभी बीरोखाल अभी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। अभी हम पहुँचे हैं नागपुरी। और दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं बीरोखाल। बीरोखाल में रुके नहीं, सीधा अब उसके अपने दोस्त के घर पर आ गए, जो बीरोखाल से थोड़ी ही दूरी पर है, डुमेला। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी यार, ठंड से हालत ख़राब हो गई ज़्यादा ही। पहुँच गए। ठीक है दोस्तों, फिर मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।